हे फ्रेंड्स, तो जो है न्यू ईयर की सेलिब्रेशन के लिए मैं अपना ट्रॉली, थम्स अप की बॉटल और अपना ट्रैवल बैग उठा के आ चुकी हूँ छपरा जंक्शन ट्रेन पकड़ने के लिए। और यहाँ आने के बाद मुझे पता चलता है कि मेरी ट्रेन पूरे 5 घंटे लेट है। सो गाइस, पूरे स्टेशन पे जो है अपनी ट्रॉली बैग के साथ टाइम पास करने के लिए जो है मुझे सिर्फ और सिर्फ ये एक्सेलरेटर मिला, जिसपे मैं बहुत ही अच्छे से जो है आराम से मज़े से कभी चढ़ रही थी कभी उतर रही थी। उसके बाद मुझे स्टेशन पे जो है ये एक जूट की शॉप मिली, जहाँ जो है बांस और जूट से जो है काफ़ी सुंदर सुंदर जो है वो आइटम्स, डेकोरेटिव आइटम्स जो है वो तैयार किए गए थे, बच्चों के खिलौने और भी बहुत कुछ था यहाँ पे। शिप्स, कार, ट्रक, बसेस जो है वो लकड़ियों से बनाई गई थी, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल मुझे लग रहा था। मैंने यहाँ से जो है एक छोटा सा प्यारा सा खिलौना खरीदा है एंड 5 घंटे के इंतज़ार के बाद फाइनली मेरी ट्रेन आ गई। ये रहा मेरा सीट राइट साइड वाला, जिस पे अगले जो है 20 घंटे के लिए मैंने अपना जो है सारा सेटअप रेडी कर लिया है एंड खाने पीने के बहुत सारे सामान के साथ जो है मैं अपने आप को सेटल कर लेती हूँ। यहाँ मैं अमरूद काटूँगी एंड इसी तरह से जो मेरा नया साल है पूरी तरह से जो है वो ट्रेन में गुजरा है, कुछ इस तरह से। और कैमरे में अपने गुलाबी गुलाबी गालों को देखते हुए शर्माती हुई मैं और अपना मूंगदाल एंजॉय करती हुई। और रात को 12 बजे जो है अपना मुंह मीठा करने के लिए मैंने अपना जो है डेरी मिल्क सिल्क एंजॉय किया। और इस तरह से जो है बिल्कुल अकेले मैंने अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट किया, विदाउट फैमिली, विदाउट फ्रेंड्स। ट्रेन में नेबर्स भी नहीं थे मेरे पास तो सेलिब्रेट करने के लिए।